हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रिज्म में मैंने ये बताया था कि यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस प्लस आर वन प्लस आर टू। ये भी मैंने बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू। ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है, बोथ रिजल्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कंडीशन फॉर नो, मतलब क्या कंडीशन क्या होना चाहिए कि फेस पी क्यू से क्या हो, रे इमर्ज नहीं हो, आई मीन देयर इज नो इमर्जेंट रे फ्रॉम द क्या होगा, फेस पी क्यू। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द रे विल क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द क्या होगा, फेस पी क्यू। अब देखो पी क्यू फेस से रे को रिफ्लेक्ट होने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, तो वहां मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब उस फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो किस फेस पे मुझे देखना है, किस फेस पे, पी क्यू पे देखना है, तो पी क्यू पे इंसिडेंट रे, इसके लिए इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, सॉरी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, ई दिया हुआ है। तो क्रिटिकल एंगल के कोरेस्पोंडेंस, आई मीन आर टू यदि क्या हो जाए, आर टू क्या हो जाए, थीटा सी से बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इस पी क्यू फेस से रे बाहर नहीं जाएगा। यदि आर टू क्या हो जाए, थीटा सी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा, थीटा सी से कम हो जाएगा, तो पी क्यू से क्या हो जाएगा, रे जो होगा वो क्या होगा, इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन दिया हुआ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि R2, हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए, R2। अब देखो ये क्या है, R2 का मैक्सिमम वैल्यू यदि थीटा C से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, R2 का मैक्सिमम, R2 का मिनिमम वैल्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूं, R2 का मिनिमम वैल्यू यदि क्या हो जाए, थीटा C से बड़ा जाए, तो और तो कोई वैल्यू क्या होगा यार, थीटा C से बड़ा ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां, देखो यही कंडीशन है, दूसरा कुछ नहीं है, R2 मीन मस्ट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थीटा सी, किसके लिए, पी क्यू से रे इमर्ज, समझ में आना, अरे यदि मिनिमम इसका आर टू का मिनिमम वैल्यू थीटा सी से बड़ा, थीटा सी से बड़ा हो जाता, मैक्सिमम तो बड़ा होगा ही ना ऑलरेडी यार। अब आर टू मीन का मतलब क्या हुआ, देखो आर टू मीन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टू मीन के जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो तो ए ए माइनस क्या लिख सकते हैं, आर क्या होगा, अरे R2 मीन का मतलब क्या होगा, R2 मीन का मतलब क्या होगा, R1 क्या होगा, मैक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा सी, सही बोला क्या, अरे इसमें कोई डाउट है क्या, अरे A इज ग्रेटर, ये देखो यहां से A मैक्सिमम होगा, इस A मिनिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा, A क्या होगा, अरे R2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस क्या होगा, आर वन। अब आर टू मैक्स का मतलब क्या होगा, आर टू मैक्स का मतलब क्या, ए माइनस ए जितना मिनिमम होगा उतना ही मैक्स होगा, तो आर वन क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या, तो ए अपने को क्या मिल गया, आंसर। अब हम आते हैं, देखो ध्यान से, ये आर वन मैक्स कब होगा, ये भी आपको सोचना है, आर वन मैक्स कब होगा बता सकते हो, जब आई क्या होगा, मैक्स होगा, और आई मैक्स कितना हो सकता है, आई मैक्स कितना हो सकता है बता सकते हो आप, देखो ए इक्वेशन वन हो गया, सोचना है इसमें कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं, देखो तो अब यहां से देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आर वन भी ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा कितना हो सकता है यार, कितना हो सकता है, जब आर वन, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना होगा, 90 डिग्री हो सकता है यार, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो हम लिख सकते हैं कि आर वन विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिज्म से, और इस पॉइंट से आर वन विल बी मैक्स इफ क्या होगा, इफ आई विल बी क्या होगा, 90 डिग्री, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता ना यार। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसको एम मान लो, है ना, और इस पॉइंट को कुछ मान लो, तो एम क्यू मान लो इसको, तो एम पे क्या करो, स्नेल्स लॉ यूज करो, तो क्या लिख सकते हो, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो, इसको हमने क्या माना है, एन एस, और इसको हमने क्या माना, एन पी, एनपी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और एनएस का मतलब क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग, जस्ट, तो यहां क्या लिखेंगे, देखो एनएस साइन
90 इज इक्वल टू क्या होगा एनपी साइन, क्या होगा एनपी साइन, क्या हो जाएगा आर वन मैक्स, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ns अपॉन np इज इक्वल टू क्या होगा r1, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन r1, क्या हो जाएगा r1 max। और यहां से देखो ये क्या हो जाएगा r, सॉरी यहां क्या हो जाएगा r1 max इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा ns np। तो ये क्या हो जाएगा यार, थीटा c हो गया क्या, तुम ध्यान से देखना दिस विल बी क्या हो जाएगा थीटा सी, क्या हो जाएगा दिस विल बी, अरे थीटा सी हो गया क्या, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रेयर, सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा क्रिटिकल एंगल। तो यहां ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो थीटा सी इज आई मीन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन मैक्स, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो तो फ्रॉम क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, देखना इसे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ए माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ग्रेटर देन टू थीटा सी, दिस इज कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम, देर इज नो इमरजेंस टेक प्लेस फ्रॉम क्या होगा फेस पी क्यू। यदि क्या होगा प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो क्या होगा टू इंटू क्रिटिकल एंगल से क्या होगा ज्यादा होगा, उस सिचुएशन में कोई भी क्या होगा इमरजेंस रे यहां से नहीं मिलेंगे, आई मीन रे क्या होगा रे विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्या हो जाएगा फेस पी क्यू, समझ में आया ना। अब यहां से लिख सकते हैं, देखो दोनों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई टू इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी, ठीक है, यहां से भी लिखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन ऑफ ए बाई टू इज ग्रेटर देन क्या होगा साइन थीटा सी, और यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ ए बाई टू इज ग्रेटर देन क्या होता है बता सकते हो तुम लोग, देखो तो यहां लिख सकते हैं एन एस अपॉन क्या होगा एनपी, और इसी को हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड वन अपॉन एन। तो यहां से तुमको ये भी पूछा जा सकता है कि एन इज ग्रेटर देन क्या होगा कोसेक ऑफ क्या होगा ए बाई टू फॉर नो इमरजेंस, तो दो कंडीशन तुमसे पूछा जा सकता है, समझ में आई बात, दो कंडीशन क्या है आपसे पूछा जा सकता है, दो कंडीशन समझ में आया। तो फिर से मैं लिख देता हूं, इधर दिख नहीं रहा है, तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस के लिए क्या होगा देखो इधर लिखता हूं। अब यहां से तुम सोचोगे ध्यान से, देखो ध्यान से यहां से क्या हो जाएगा, एक तो कंडीशन ये हुआ, दूसरा क्या होगा दोनों तरफ, तो साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ ए बाई टू इज ए बाई टू इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी, सॉरी साइन ऑफ दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया थीटा सी, और साइन ऑफ ए बाई टू इज ग्रेटर देन क्या होगा एन, अरे थीटा सी क्या होता है रिफ्रेक्ट, साइन ऑफ थीटा सी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर, एन एस, एन एस का मतलब क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम डिवाइडेड बाई क्या होगा एनपी, एनपी क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ ए बाई टू इज ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एन लिख सकते हैं यार, एन का मतलब क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा रेयर मीडियम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एन इज क्या होगा कोसेक ऑफ क्या होगा ए बाई टू फॉर नो इमरजेंस, ई भी कभी कभी क्या है डायरेक्टली पूछ दिया है, ठीक है। तो दो कंडीशन मिला, एक ए मिला और दूसरा क्या हुआ दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा टू थीटा सी, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम क्या होगा फेस पी क्यू। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, ठीक है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंट या कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर ऐसे लिख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट क्या होगा एट फेस पी क्यू, ये दो पॉइंट, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा आप देखो, ये तो होगा कि यदि प्रिज्म एंगल क्या होगा टू इंटू थीटा सी से बड़ा हो जाए, तो ये थीटा सी भी यहां लिख लेना तुम लोग, देखो यहां लिख देता हूं टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे ये भी लिख लो,
साइन इनवर्स ऑफ एन एस अपॉन क्या होगा एनपी। एनपी क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एनएस क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, अब यदि क्या होगा, अब कंडीशन फॉर क्या होगा इमर्जेंस, व्हाट इज द कंडीशन सो दैट द रे विल ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम द क्या होगा फेस पी क्यू, और इसको बोल सकते हैं देयर इज नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट पी क्यू, उसके लिए भी कंडीशन देख रहे हैं। समझ में आ रहा, तो ये क्या हुआ n इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन क्या होगा कोसेक a बाय 2, देन इंटरनल रिफ्रेक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट क्या होगा p बाय q फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सो ऑन। समझ में आया क्या, तो ये आपको क्या करना है एक पॉइंट याद रखना है। देखो जितने प्रिज्म से रिलेटेड थ्योरी होगा वो मैं तुमको क्या करूंगा बता दूंगा, अब तुमको प्रैक्टिस करना है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर नो इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस पी क्यू, दैट इज क्या होगा देयर इज रे विल क्या कंडीशन सो दैट, मैं लिख देता हूं सो दैट रे विल क्या होगा विल ऑलवेज इमर्जेस आउट फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फेस पी क्यू। समझ में आई बात, अब इसके लिए इसी पे सोचना है आपने। ठीक है, अब यदि मैं ये बोलूं क्या बोल सकता हूं, देखो तो आर टू यदि क्या हो जाएगा थीटा सी से क्या हो जाए छोटा हो जाए, क्या हो जाए अरे आर टू यदि थीटा सी से छोटा हो जाए तो अलविज क्या होगा रे क्या हो जाएगा इमर्ज हो जाएगा फेस पी क्यू से, रे क्या हो जाएगा प्रिज्म से बाहर चला जाएगा यार, तो क्या लिखेंगे आर टू। अब यहां भी सोचना है क्या होगा R2 क्या होगा, तुम बताओ क्या सोचेंगे यार, R2 लिखें R2 max और min लिखें बताओ। अब यहां लिख सकते हैं R2 यदि min क्या होगा R2 min is less than क्या होगा theta c, सही है कि R2 max लिखेंगे यार, min तो नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा ना फिर, तो R2 mean यदि क्या हो जाए थीटा सी से छोटा हो जाए, आई मीन इसका मिनिमम वैल्यू इधर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की R2 का मिनिमम वैल्यू यदि थीटा सी से छोटा हो जाए तो यहां से रे क्या होगा अलवेज क्या होगा इमर्ज आउट होगा, क्या रे विल अलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म थ्रू फेस क्या होगा पी क्यू। समझ में आई बात, अरे R2 mean R2 इसका मिनिमम वैल्यू यदि क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाए, ठीक है मिनिमम यदि छोटा हो जाएगा तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी छोटा होगा ही यार, इसलिए हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब R2 mean का मतलब क्या होगा देखो यहां से, R2 mean का मतलब क्या होगा अगेन, अरे अगेन क्या होगा R2 mean का मतलब क्या होगा बता सकते हो, अरे R2 mean का मतलब क्या होगा, R2 mean यदि इससे क्या हो जाएगा R2 max होना चाहिए ना, R2 max max होना चाहिए ना, ठीक है R2 max क्या हो जाए थीटा सी से छोटा हो जाए, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो R2 max यदि छोटा होगा तो और सब छोटा हो जाएगा, ठीक है ओ, तो अब यहां से देखो एक इक्वेशन ये हो गया, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहां से देखो ये दो फॉर्मूला तुम गया, यहां से क्या लिख सकते हैं ए माइनस क्या लिख सकते हैं आर वन क्या होगा मीन इज लेस देन क्या होगा थीटा सी, ठीक है और मिनिमम वैल्यू आर वन का क्या हो सकता है बता सकते हो, अरे जीरो हो सकता है, अरे इस एंगल का मिनिमम वैल्यू दरी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए 90 जीरो हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो हम बोल सकते हैं ए इज लेस देन थीटा सी। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाए
थीटा सी से छोटा हो जाए, ये चेक करना है क्या इक्वल पे भी वैलिड होगा। ऑफकोर्स इक्वल पे भी वैलिड होगा यार, क्योंकि इक्वल यदि रख दोगे यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इज लेस देन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा सी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रे विल ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द फेस क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहां ये लिख सकते हैं, समझ में आई बात। तो साइन ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ थीटा सी, साइन ए इज लेस देन क्या होगा एन एस अपॉन क्या होगा एन पी। दिस इज द कंडीशन फॉर इमर्जेंस विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम क्या होगा फेस पी क्यू। इमर्जेंट जो होगा ऑलवेज क्या होगा PQ फेस पे क्या होगा अकर करेगा, ठीक है। NS का मतलब क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, NP का मतलब क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ये दो कंडीशन है, समझ में आई बात। अरे देखो तो क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, तुमको ये मैंने लिख दिया इक्वालिटी ये कैसे है तुमको समझ में शायद नहीं आया है ना, तो उसको तुम खुद से भी प्रूव कर सकते हो। यदि क्या होगा इफ देखो यहां इफ हम क्या लिखे हैं, इफ I is equal to क्या हो जाएगा I is equal to क्या होगा जीरो, तो R1 is equal to जीरो, तो A is equal to क्या होगा R2, ठीक है। क्या हो जाएगा R2, समझ में आया क्या, A is equal to क्या हो जाएगा R2, अरे हो जाएगा ना देखो यहां से। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कैसे सोचोगे बताओ। यदि मैं प्रूव कर दूं कि इस सिचुएशन में देखो, तो इस सिचुएशन में If, अब यहां स्नेल्स लॉ यूज कर दो यार, यहां R2 ठीक है, देखो यहां से ध्यान से R2 यहां स्नेल्स लॉ यूज करो तो क्या लिखोगे, अरे बताओ यहां क्या लिखोगे, A is equal to R1 plus R2, अभी हमने क्या लिख दिया R2 लिख दिया, और R2 is equal to क्या हो जाएगा If I1 is equal to 0, R1 is equal to 0, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हमने यहां से लिखा R1 0, तो A is equal to क्या हो गया यार R2 हो गया, ठीक है। अब तुमको प्रूफ करना है कि A is equal to क्या हो जाए थीटा सी हो जाए, अब हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, देखो ये यहां कुछ नहीं है, देखो अब यहां ये भी तो हो सकता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, अब स्नेल्स लॉ यहां यूज कर दो तो क्या लिख सकते हो, नो इमर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए R2 मस्ट बी क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, हम यहां थीटा सी प्रूव कर ले यार, तो यहां स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो क्या लिखोगे साइन ऑफ R2 NP इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अरे R2, और R2 क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्या हो सकता है, आई मीन R2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है यार थीटा सी हो सकता है ना, तो यहां यही से हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे थीटा सी। तो इसलिए मैंने क्या किया है इनइक्वालिटी यूज किया है, यहां और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये समझ में आया क्या, A is equal to R2 equal to क्या हो गया थीटा सी। तो उस सिचुएशन में यदि R2 का वैल्यू A I mean R2 का वैल्यू क्या हो जाए थीटा सी के क्या हो जाए इक्वल भी हो जाए, उस सिचुएशन में भी क्या होगा इंटरनल, उस सिचुएशन में क्या होगा यार फेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे इस फेस के क्या हो जाएंगे आई मीन इंटरनल सॉरी रे क्या होगा इसके पैरेलल हो जाएगा, ऐसे देखो यहां मैं डायग्राम ड्रॉ करके तुमको बता देता हूं, यदि क्या हो जाएगा ये एंगल ए है ए पी दिस इज क्यू दिस इज आर, तो यहां से रे ऐसे जाएगा और फिर ऐसे क्या हो जाएगा इमर्ज हो जाएगा, ये कब के लिए है जब ए वाला एंगल क्या हो जाए आर टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए एन वन एन एन वन एन टू दिस इज आई दिस इज क्या हो जाएगा आर वन। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इस सिचुएशन में, यदि यहां इस क्या होगा आर ए इज क्या हो जाएगा लेस देन क्या है थीटा सी, यदि क्या हो जाएगा ए इज क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, तो फेस क्या हो जाएंगे ऐसे सॉरी रे क्या हो जाएगा यही होगा ना यार इंटरनल क्रिटिकल एंगल के कोरेस्पोंडेंस क्या होता है रे जो होता है वो क्या होगा फेस के क्या होता है पैरेलल हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा था। अब यहां मैंने प्रूफ कर दिया कि ए इज इक्वल टू क्या होगा आर टू हो जाएगा जब क्या हो जाएगा I जीरो और क्या हो जाएगा R1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर क्या होगा, अब देखो क्या हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया कि यदि क्या होगा एंगल ऑफ प्रिज्म इज क्या होगा टू टाइम्स क्या होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो यहां ऑलवेज क्या होगा इस फेस पे क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब दूसरे केस में मैंने बताया कि इफ क्या होगा ए इज
लेस देन इक्वल टू क्या होगा थीटा सी, देन क्या होगा इस फेस से ऑलवेज क्या होगा आपको इमर्जेंट रे मिलेंगे, ठीक है। थर्ड केस में मैंने क्या बताया, अभी थर्ड केस देखना है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई मीन एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाए 2 थीटा सी से क्या हो जाए छोटा हो जाए और थीटा सी से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों केस हो सकता है, कुछ सम रे विल टूट सम रे विल क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द क्या होगा फेस पी क्यू व्हाइल सम रे विल इमर्जेस आउट फ्रॉम द क्या होगा पी क्यू, दोनों केस हो सकता है। ये समझ में आया, एक कंडीशन है, कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द रे विल आई मीन इमर्जेंट रे विल ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द क्या होगा फेस पी क्यू, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा क्रिटिकल आई मीन एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए थीटा सी, क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू थीटा सी। दूसरा इसमें क्वेश्चन एक तीसरा पॉइंट लिख लेना तुम, क्या होगा इफ हम लिख लेंगे क्या इफ हमें एक जगह नोट में इफ क्या होगा थर्ड में देखो इफ क्या होगा इफ ए इज क्या होगा लेस देन टू थीटा सी ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी देन क्या होगा देन सम रे विल इमर्ज फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फेस पी क्यू वाई सम रेस विल गेट टोटली विल गेट बैक फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फेस आई मीन इस सिचुएशन में क्या होगा देखो मैं बता देता हूं डायग्राम से बताता हूं ड्रॉ करके, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया ना। अब ये तुम बताना इसमें भी आप कैसे पहचानोगे, तुमको होमवर्क देता हूं, तुम सोचना कि इसमें आप कैसे फिगर आउट करोगे कि इस कंडीशन पे रे इमर्ज होगा और इस कंडीशन पे रे क्या होगा बैक आएगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको सोचना थोड़ा सा, और कुछ नहीं है मैथ्स है सोचना है। एक रे हो गया ये ऐसे, फिर कुछ ऐसे हो जाएगा और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये कब होगा जब ये वाला कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये एंगल क्या है तुम्हारा ए है सॉरी एंगल ए इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एन वन दिस इज क्या होगा एन टू, दिस इज ई दिस इज आर दिस इज आई दिस इज आर वन दिस इज क्या होगा आर टू, समझ में आया। तो देखो इसमें क्या हुआ ये इमर्ज हुआ और ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कुछ लेकिन आप ये कैसे पहचानोगे कि यहाँ रे इस सिचुएशन में इमर्ज भी होगा और क्या होगा कौन सा रे किस कंडीशन पे रे इमर्ज होगा और किस कंडीशन पे क्या होगा रे जो होगा और टोटली रे विल रिटर्न बैक इन दैट क्या होगा प्रिज्म अगेन, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है देखो ध्यान से कि जब क्या होगा ए इज ग्रेटर देन क्या होगा टू थीटा सी और कोसेक आई मीन एन इज ग्रेटर देन क्या होगा कोसेक ऑफ ए बाई टू, देन इन दैट सिचुएशन रे विल ऑलवेज क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द क्या होगा पी क्यू आई मीन यहाँ क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा ए से क्या हो जाएगा आई मीन टू थीटा सी से छोटा और उसके इक्वल होगा तो पी क्यू फेस से क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ से रे इमर्ज होगा ऑलवेज। यदि क्या होगा इफ ए इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी एंड सो ऑन ए, यहाँ से तुम ऐसे भी लिख सकते थे यार, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा तुम्हारा कि कुछ रे क्या होंगे देखो ये रे इमर्ज हो गया और ये क्या होगा रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये तीन कंडीशन होंगे डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब हम आते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में, कोई डाउट नहीं है ना, ये बात समझ में आ, देखो यही फॉर्मूला याद रखना है तुमको और तो तुम केवल तुमको देखे फॉर्मूला याद नहीं रखना है तुमको, स्नेल्स लॉ आता है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते। अब यहां आता है कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा ऑफ डेविएशन, डेविएशन हमने ये लिखा देखो अब यहां लिख दे रहा हूं इसमें भी डेल्टा इज इक्वल टू E प्लस आई माइनस क्या होगा R1 प्लस R2, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है
ए इज इक्वल टू आर वन प्लस क्या होगा आर टू, ये दो फॉर्मूला का यूज है। अब यहां मैं लिख रहा हूं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होगा, पहला इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे, आई मीन मिनिमम डेविएशन क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ पहला टाइप इसमें लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा डेल्टा मीन, ठीक है क्या होगा डेल्टा मीन, आई मीन मिनिमम डेविएशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखो ये क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज क्या होगा रे इमर्जेंट रे, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि यदि प्रिज्म के अंदर रे क्या हो जाए सिमेट्रिकल हो, आई मीन क्या होगा इफ द रे इज सिमेट्रिकल है ना इनसाइड द प्रिज्म, आई मीन इफ द रे विल क्या होगा सिमेट्रिकल, ऐसे सिमेट्रिकल सिंपल हम बोल देंगे इफ द रे विल क्या होगा सिमेट्रिकल देन क्या होगा, देन क्या होगा डेविएशन विल बी ऑलवेज क्या होगा मिनिमम, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, मैं ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर से आपने रे क्या किया सेंड किया, अब क्या करो इस फेस से क्या करो रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या करो, आई मीन यहां से क्या करो देखो आप क्या करोगे यहां से अब रे को सेंड करो तो इमर्जेंट रे क्या होगा ऐसे ही आएगा, इसका मतलब क्या हुआ रे इज सिमेट्रिकल इनसाइड द क्या होगा रे इज सिमेट्रिकल क्या होगा इनसाइड द प्रिज्म देन क्या होगा डेविएशन जो होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन क्या होगा इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थियोरेटिकली ऑब्जर्व दैट फॉर मिनिमम डेविएशन रे विल बी क्या होगा रे मस्ट बी सिमेट्रिकल समझ में आया ना, आई मीन यदि मैं इमर्जेंट और रिफ्रेक्टेड रे को क्या करे इंटरचेंज कर देंगे तो रे क्या होगा ऑलवेज क्या होगा अपने पाथ को क्या करेगा रिट्रेस करेगा, मस्ट बी सिमेट्रिकल इनसाइड द क्या होना चाहिए सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, इनसाइड नहीं बोलेंगे सिमेट्रिकल क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा प्रिज्म, मस्ट बी सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ठीक है दैट इज क्या होना चाहिए देखो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्या होगा मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होगा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, किसके लिए मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं क्या होगा कि प्रिज्म जो होगा देखो ध्यान से ये तुम्हारा ऐसे कुछ और फिर ये जितना एंगल होगा इतना ही एंगल क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो दिस इज कंडीशन फॉर क्या होगा मिनिमम डेविएशन, क्या होगा मिनिमम डेविएशन के ये कंडीशन होगा। अब कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, मिनिमम डेविएशन अब देखो यहां से ध्यान से डेल्टा हमने क्या लिखा अब लिखेंगे डेल्टा मीन इज इक्वल टू यहां वैल्यू रख दो यार तो क्या लिखोगे 2i माइनस क्या लिखोगे अरे आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे ए लिखोगे यार यही लिख सकते हैं डेल्टा मीन, यहां से ये भी लिख सकते हैं देखो क्या लिख सकते हैं कि 2i is equal to delta mean minus plus क्या हो जाएगा a तो i is equal to क्या लिख सकते हैं delta mean plus a by क्या हो जाएगा 2, कोई problem नहीं है ठीक है क्या है कोई problem नहीं। अब यहां से तुम देखोगे i is equal to क्या हो जाएगा a हो जाएगा i is equal to a तो यहां से ये भी लिख सकते हो
कि आर वन इक्वल टू क्या होगा, आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, ई वाई। इसको तुम खुद से प्रूव कर सकते। अरे सही बोला, देखो तो ए सेम हो जाएगा। तो ए यदि क्या होगा, आर वन है, ई भी आर वन, आर टू है, तो आर वन आर टू भी सेम हो जाएगा ना। यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करो, यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करो, तो ये भी लिख सकते हो। तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है, आर वन प्लस ये ऑटोमेटिक है, नहीं भी आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई टू। अब तुम क्या करो, इस पॉइंट पे क्या करो, ए पॉइंट पे, आई मीन एम पॉइंट पे तुम क्या करो, स्नेल्स लॉ यूज करो। तो क्या लिख सकते हो, नाउ ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा वन। नाउ यहां स्नेल्स लॉ यूज करो, तो क्या लिखोगे, एन एस, एन एस साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी साइन क्या हो जाएगा, आर लिख देता हूं क्योंकि आर वन आर टू, और इसको क्या लिख सकता हूं, एन पी साइन ऑफ क्या लिख सकता हूं, ए ए बाई, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, अब यहां से वैल्यू रख दो यार, तो यहां से देखो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी अपॉन एन एस, साइन क्या हो जाएगा, ए बाई टू। साइन आई कितना होगा, यहां से आई का वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ देखो ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी, एन पी अपॉन एन एस साइन ऑफ ई बाई टू, ठीक है। क्या होगा, एन पी प्लस एन एस अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। यहां से आपको क्या मिल गया, मिनिमम डेविएशन मिल गया, ठीक है। क्या हो गया, मिनिमम डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि एन पी अपॉन क्या होगा, एन एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई क्या हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए बाई टू, ठीक है। दिस इज क्या हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस क्या होगा, डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये तुमको क्या हुआ, ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी ये डेरिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है। यहां ये हमने क्या है, दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, मीडियम ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सराउंडिंग, एस स्टैंड फॉर सराउंडिंग, पी स्टैंड फॉर प्रिज्म। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द क्या होगा, सराउंडिंग, ये क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन, यहां डेल्टा एम स्टैंड फॉर मीन मैंने लिख दिया है, यहां ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी लिख लेना तुम लोग मीन, यहां भी मीन लिख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू अपॉन साइन ऑफ क्या होगा, ए बाई टू। इससे क्या हम करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो ये भी रिजल्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कि n इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन बाय टू डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन ऑफ ए बाय टू, वेयर ए इज क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मीन क्या होगा, मिनिमम डेविएशन, और n क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म या मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यदि सराउंडिंग क्या हो, एयर हो, तो यहां क्या होगा, डायरेक्ट n इज इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और भी इससे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।